राजेश पालेट राजकीय कॉलेज में 45.16% मतदान। कड़ी सुरक्षा के बीच बांदीकुई थाने के स्ट्रांग रूम में मत पेटियों को रखवाया। कल 10 बजे होगी मतगणना। 4 पदों के लिए कुल 9 प्रत्याशियों की किस्मत दाव पर। बांदीकुई के राजेश पालेट राजकीय कॉलेज में दोपहर 1 बजे समाप्त तो हो गया चुनाव। इस दौरान कुल 2843 मतदाताओं में से 1284 ने वोट डाले। इस प्रकार कुल 45.16% मतदान रहा। वहीं कॉलेज में मतदान समाप्ति के बाद 4 पदों के लिए 9 प्रत्याशियों का भाग मतपेटियों में पैक हो गया है। शनिवार को मतगणना होगी। आधे से भी ज़्यादा मतदाता नहीं आए वोट डालने। छात्र संघ चुनाव को लेकर राजेश पालेट राजकीय कॉलेज में शुक्रवार को मतदान में आधे से भी ज़्यादा मतदाता छात्र छात्राएं मतदान करने के लिए नहीं आए। यहाँ कुल मतदाता 2843 हैं। इनमें से 1284 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सुरक्षा को लेकर बसुआ बांदीकुई बैजूपाड़ा सिकंदरा थाना पुलिस रही मौजूद। आपको देखिए आगे जानकारी दे रहे हैं। बैजूपाड़ा तहसीलदार चुनाव को लेकर इन्हें मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किया गया है। फाइनली जो स्टेटस हो यहाँ स्वर्गीय राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांदीकुई में मतदान शांतिपूर्ण रूप से समाप्त हो गया है और 2843 वोटर थे यहाँ, जिनमें से 1284 वोट डले जिनका परसेंटेज 45.16 रहा है। और इनमें छात्राओं का ज़्यादा उत्साह रहा था और छात्राओं के ज़्यादा वोटर भी थे तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। प्रशासन का और ये कॉलेज प्रशासन का और पुलिस प्रशासन का बढ़िया सामंजस्य बना रहा और शांतिपूर्ण से संपन्न होगा।